फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं पार्क में घूमने के लिए, जो कि मेरे पीछे है और बहुत ही सुंदर पार्क है। और मैं आया हूँ और मेरे साथ आए हैं हमारे छोटे भीम, जो कि वो जा चुके हैं पार्क में अंदर में। और हम जा रहे हैं पार्क के अंदर, जो कि पार्क में देख सकते हैं यह है भुवनेश्वर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है ये पार्क। और बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये है बैद्यनाथ हॉस्पिटल के साइड में, पटेल चौक के साइड में है बिल्कुल। और हम जा रहे हैं पार्क में अंदर, देखते हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए, देखिए और वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, छोटा भीम बैठा है, खेल कूद कर रहा है इधर। बहुत बदमाश है ये, इनोसेंट दिखता है लेकिन इनोसेंट है नहीं ये। हाथ छोड़ के बैठ रहा है वो, और इधर सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तब मैं याद रख हिरन भी है। और यहाँ पर शेर भी है, लेकिन ये जो शेर है ये गुस्से पे है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। और ये बच्चे खेलने के लिए है। बच्चे भी खेल रहे हैं, और पार्क सबको आना चाहिए क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है दोस्तों। और जैसे गर्मी का हाल है भुवनेश्वर में, और यही एक टाइम मिलता है जो आप घूम सकते हैं सब हर जगह। अभी सब बच्चे खेल रहे हैं, उधर झूला भी झूल रहे हैं। तो दोस्तों, पार्क में अभी तो घूमना चालू है, और अभी थक चुके हैं घूम घूम के। बच्चे तो नहीं थकते हैं लेकिन बड़े थक जाते हैं। और अभी हम जाएंगे घर, तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी देखिए जैसे सब खेल रहे हैं, अभी यहाँ 6:30, 7 बजे तक खाली हो जाएगा, ये बंद हो जाता है। और भुवनेश्वर में बहुत सारे पार्क हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क हैं, और मंदिर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर ये उड़ीसा जो है हम लोग का, मंदिर
मालिनी के शहर में जाने जाते हैं। मंदिर बहुत है यहाँ पर, संस्कृति का देश है यह, और परंपरा बहुत चीज़ें हैं यहाँ जो कि लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और पार्क बहुत सारे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे और भी जगह हैं, हम वहाँ भी जाएंगे घूमने के लिए और आपको उस जगह के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप यहीं आसपास हैं कहीं पर, भुवनेश्वर में डमना पटिया इसके आसपास हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए, ये बहुत ही नज़दीक है और आपके पटिया चौक के पास में ही है और बैद्यनाथ हॉस्पिटल के साइड में ही है ये पार्क। और बच्चे को लेकर ज़रूर आइए यहाँ और घूमिए, और यहाँ आना भी अच्छी बात है क्योंकि सब बच्चे ही हैं यहाँ पर ज़्यादातर। और फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए यहीं रुकता हूँ दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।